नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर M6 Sure Gain के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की। पिछले वीडियो में हमने बताया कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग क्या है और किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग काम करती है, API क्या होती हैं, किस तरीके से ब्रिज का इस्तेमाल करके आप हल्कू ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा तो अब हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको स्ट्रेटजी साइकिल के बारे में बताएंगे। स्ट्रेटजी साइकिल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो, क्योंकि ये जो स्टेप है ये एक मैंडेटरी स्टेप है जिसको कोई नहीं बताता, ठीक है। ज़्यादातर लोग एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं या फिर किसी को फॉलो करते हैं, किसी के ट्रेडिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं और अपनी ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या आ रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है और ये सारा चीज़ जो फंडा होता है, जो प्रॉपर तरीका होता है एक स्ट्रेटजी को क्रिएट करने का, उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटजी साइकिल के बारे में। स्ट्रेटजी साइकिल के दोस्तों चार मेन स्टेप होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको चारों स्टेप बता देता हूँ। शायद चारों स्टेप को जानने के बाद आप बहुत सारा कुछ समझ भी जाएंगे उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है मेकिंग स्ट्रेटजी, यानी कि मेक, या फिर आप ये कह सकते हैं मेक स्ट्रेटजी, ठीक है। सेकंड जो स्टेप होता है उसको कहते हैं कोड स्ट्रेटजी। थर्ड जो स्टेप होता है उसको कहते हैं टेस्ट द स्ट्रेटजी। एंड फोर्थ स्टेप जो होता है उसको कहते हैं मेक रूल्स एंड फॉलो, ठीक है दोस्तों। ये चार स्टेप्स हैं, ये बेसिक स्टेप्स हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, क्योंकि अगर इनके बिना आपने एल्गो ट्रेडिंग की तो उसमें लॉस और प्रॉफिट होने के बराबर बराबर चांसेस होते हैं। मेजर जो चांसेस हैं वो लॉस होने के ही हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी को प्रॉपरली टेस्ट किए बिना या प्रॉपरली बनाए बिना, कन्फिगर करे बिना क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब चीज़ों के बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई वो था मेकर स्ट्रेटजी। मेकर स्ट्रेटजी में क्या है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या आपकी रणनीति रहेगी बाय या सेल करने के लिए, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेटजी है उसमें आप चाहे तो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, चाहे तो प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, चाहे तो और कोई ओपन रेंज ब्रेकआउट ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी जो मार्केट में चल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, फिबोनाची यूज कर सकते हैं, ठीक है, डाउ थ्योरी यूज कर सकते हैं, गैन लेवल्स यूज कर सकते हैं, जो मर्जी आपको मन करे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बनानी होगी स्ट्रेटजी कि आपको यूज एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप मूविंग एवरेज या RSI के इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाया कि मूविंग एवरेज और RSI की जो इंडिकेटर्स की वैल्यू है ये अगर ब्ला ब्ला पहुंच जाएंगी, ये अगर किसी सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएंगी तो फिर मैं बाय की ट्रेड लूंगा, या ये सर्टेन लेवल से नीचे चली जाएंगी तो मैं सेल की ट्रेड लूंगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप कहोगे कि 14 पीरियड की मूविंग एवरेज में अगर बाय का सिग्नल आता है और उस वक्त अगर RSI की वैल्यू 50 या 50 से अबव होती है तो मैं बाय का सिग्नल ले लूंगा। मान लीजिए ये आपने स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। तो अब क्या है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ये दोनों स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको एरो नहीं मिलेगा। चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगा आपको, चार्ट आप इनके अप्लाई करके और चार्ट में इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे 14 की पीरियड की मूविंग एवरेज लगा सकते हो, मूविंग एवरेज का किस टाइप को आपने यूज करना वो आप कर सकते हो, साथ ही साथ आप RSI का इंडिकेटर लगा सकते हो, RSI की वैल्यू सेट कर सकते हो, तो वो आपको चार्ट में सेपरेटली दोनों इंडिकेटर अप्लाई होके रिजल्ट देंगे। चाहे तो आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करो चार्टिंग के लिए, चाहे आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करो, दोनों में सेम ही काम होगा, ठीक है। अब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को हम इसलिए भी यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि उसमें कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में सिर्फ पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हो और कुछ चीजें नहीं कर सकते। तो जब आप एक स्ट्रेटजी बना लेंगे, जब आप दोनों इंडिकेटर को कॉम्बिनेशन करके चार्ट में देखेंगे तो वो चार्ट में आपको अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे उनके वैल्यूज और उनका क्रॉसओवर, ठीक है। लेकिन अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है तो उसको आपको कंबाइन करना होगा, उन दोनों के पर्टिकुलर मैच होने के बाद आपको सिग्नल चाहिए, ठीक है। उससे पहले के सिग्नल का आपको कोई फायदा नहीं है। मूविंग एवरेज आपको चार कैंडल पहले बाय बता रहा है, RSI आपको चार कैंडल बाद बाय बता रहा है, तो आपका जो एग्जैक्ट बाय का लेवल है वो चार कैंडल बाद, जब RSI और मूविंग एवरेज दोनों ही एक लेवल पर हैं। अगर आप इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी बनाए तो उसको बनाने के बाद आपको पहले ये लिखना होगा कि क्या क्या लेवल्स रहेंगे, किस किस तरीके से आप स्ट्रेटजी कौन से इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट किस तरीके
कैसे यूज करेंगे, ये सारे इनपुट्स बनाने के बाद आपको आपको आना होगा दूसरे पॉइंट पे, दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप कौन सा है, मैंने बताया था कोड द स्ट्रेटजी। ठीक है, कोड द स्ट्रेटजी में क्या होगा कि उस स्ट्रेटजी को अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं तो आप उसको कोड करवा सकते हैं। उसको कोड कैसे कराएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 14 की मूविंग एवरेज और आरएसआई। ठीक है, तो आपने कोडर को बोला कि भैया 14 की कोई भी मूविंग एवरेज, ऐसे नहीं 14 की कोई भी, मतलब आपको तो इनपुट चाहिए उसमें, चाहे 14 करो चाहे 25 करो, तो वो आपको ये कहना है कि मुझे मूविंग एवरेज के चारों वेरियस जो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि टाइप जो होते हैं मूविंग एवरेज के, जैसे कि सिंपल, एक्सपोनेंशियल, लीनियर वेटेड और स्मूथ, कि मुझे ये चारों चाहिए और मुझे साथ ही साथ आरएसआई का लेवल भी चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि जो भी मैं लेवल के इनपुट डालूं उन इनपुट्स के बाद जब भी कोई क्रॉसओवर होता है, यानी कि जब भी वो दोनों चीजें कंडीशन मीट होती हैं, तो मुझे एरो चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे अलर्ट भी चाहिए ताकि मुझे चार्ट में देख लूं कि मान लो आप कुछ और काम कर रहे हो तो आप कम से कम चार्ट में देख तो सकते हो कि सिग्नल आ गया, तो आपको एक अलर्ट आएगा, अलर्ट आने के बाद आप देख लो कि भाई क्या किस चीज का सिग्नल आया। ठीक है, तो ये चीज आपकी कोड हो जाएगी, कोड स्ट्रेटजी, साथ में आप स्टॉप लॉस टारगेट ये सब चीजें भी कोड करवा लेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आप आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप मैंने बताया था टेस्ट द स्ट्रेटजी। टेस्ट द स्ट्रेटजी में क्या करना होगा, अब आपके पास अलर्ट आ गया, एरो आ गया, साथ ही साथ आप चाहें तो कोड करवा सकते हैं डैशबोर्ड पे, आपको ये पिछले जितने भी सिग्नल डेटा उसमें अवेलेबल है उसकी हिस्ट्री पूरी ला के दे देगा कि बाई कितने आया, सेल मतलब टोटल सिग्नल कितने आए, स्टॉप लॉस कितने लगे, टारगेट कितने लगे, एक्यूरेसी क्या आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है, ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड में मिल जाएंगी अगर आप कोड कराते हैं MT4 में, क्योंकि ज्यादातर हम कोडिंग जो है MT4 में करते हैं। बाकी आप ट्रेडिंग व्यू पे और किसी पे भी कहीं भी कोड करा सकते हैं, उसमें जो जो फैसिलिटीज आपको मिल पाएंगी वो सब चीजें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, तो टेस्ट द स्ट्रेटजी में आपको क्या करना होगा, टेस्ट द स्ट्रेटजी में आपको स्ट्रेटजी को टेस्ट करना होगा प्रॉपरली हर एक टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरीके से काम कर रही है, कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरीके से काम कर रही है, जिस टाइम फ्रेम पे आपको बढ़िया लगे, ये लगे कि हाँ इस टाइम फ्रेम पे ये अच्छा काम कर रही है, स्टॉप लॉस टारगेट की वैल्यूज इतने लगाने से ये अच्छा काम कर रही है, मूवमेंट इस तरीके से आ रही है, वो सारी रीडिंग्स आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, वो सारी रीडिंग्स नोट करने के बाद आपको आना है फोर्थ स्टेप पे। ठीक है, फोर्थ स्टेप मैंने क्या बताया था दोस्तों, फोर्थ स्टेप मैंने बताया था मेक रूल्स एंड फॉलो। उसके बाद आपको सिर्फ रूल बनाने हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी है कि आपको सुबह सुबह आकर ऑथेंटिकेशन करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ना मुझे इससे आगे जाना है ना मुझे इससे पीछे जाना है, स्टॉप लॉस टारगेट मेरे फिक्स रखने हैं, किस तरीके से करना है, ये सब चीजें आपने जब रूल्स बना लिया और उस रूल्स को जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपके नुकसान के चांसेस घट जाएंगे। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में भी कई बार क्या होता है कि लोग सेमी एल्गो करते हैं, मतलब एल्गो से बाय ले लिया, सिग्नल ले लिया, उसके बाद जब वो ट्रेड लॉस में लगने लगती है तो फिर वो एल्गो से हटा देते हैं उसको कि नहीं नहीं अब इसको मैनुअल देखेंगे, अब इसको हम एटलीस्ट प्रॉफिट में, नहीं तो फिर एट पार तो निकलना ही निकलना है। तो एट पार के चक्कर में क्या होता है कि वो लॉसेस होते चले जाते हैं, लॉसेस जब अगर आप एल्गो पे कर रहे हैं तो फिर आप टोटली एल्गो ही करिए, आप मैनुअल मत करिए, क्योंकि एल्गो जो होता है वो इमोशनलेस ट्रेडिंग है, यानी कि उसमें इमोशंस नहीं है ट्रेडिंग में, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा, जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया उतने पे निकाल देगा, एटलीस्ट ये सब करने के बाद आपका जो कैपिटल है ना वो बचेगा। ठीक है, आपका कैपिटल बचेगा अगली ट्रेड करने के लिए, अगर आधा परसेंट का स्टॉप लॉस लगाया तो समझ लो 1 लाख का कैपिटल है तो आधा परसेंट का स्टॉप लॉस 500 रुपए होता है। ठीक है, 500 रुपए जाएंगे 99,500 रुपए आपके पास बचे अगली ट्रेड करने के लिए, और आप रिस्क फ्री भी हो, आप टेंशन फ्री भी हो कि 500 ही गए आपके। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और बाय सेल का सिग्नल ले लिया और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लिया, तो वो क्या है 10%, 20%, 30% ऐसा करते करते 1 लाख का कैपिटल 30,000-40,000 रह जाती है कई बार एक ही ट्रेड में, तो वो चीज मेजर लॉस करती है। तो इसके इस सबसे बचने के लिए हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग को हम इसीलिए कहते हैं इमोशन लेस ट्रेडिंग, यानी कि इमोशंस नहीं होते इसमें और पैनिक भी नहीं होते, क्योंकि हम इमोशनल नहीं होते, ट्रेड को लेके पूरा दिन बैठे नहीं रहते चार्ट के सामने, तो प्रॉब्लम भी नहीं आता। तो दोस्तों ये थे चार्ट के आपके ये थे एल्गो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी साइकिल। अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो ये चार स्टेप आपको जरूर फॉलो करने चाहिए, अगर आप ये चार स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जो है प्रॉफिटेबल होगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है और आप चाहते हैं कि उस स्ट्रेटजी को MT4 में कोड करवाना, MT4 बेसिकली एक चार्टिंग कम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको इंडिया में सिर्फ चार्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप MT4 पे कोई स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं, कोई भी इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसमें अलर्ट या फिर उसके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना
करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक ईमेल आईडी भेजेंगे, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना एक स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट भेजना है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था, मेक अ स्ट्रेटजी में आपको ये लिखना है कि आपको कौन से इंडिकेटर चूज करने हैं, स्टॉप लॉस टारगेट चाहिए नहीं चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए नहीं चाहिए, और भी कोई कंडीशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो कंडीशन आप वहां पर डाल सकते हैं। आप जैसे ही वो कंडीशन डालेंगे तो हम आपको रिवर्ट में एक मेल डालेंगे और मेल में आपको बताएंगे कि इसके लिए वन टाइम डेवलपमेंट चार्जेस क्या लगेंगे। वो बड़े नॉमिनल चार्जेस होते हैं, उनको पे करके आप स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। चाहे आप ट्रेडिंग से ऑटोमेटिक करो, चाहे आप करो मैनुअल, आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर्स। अगर मैनुअल भी करेंगे तो आपको साउंड अलर्ट्स, पॉपअप अलर्ट्स, साथ ही साथ एरोज वगैरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे कि आपको इजीली पता लग जाएगा कहां क्रॉस ओवर हुआ, किस पॉइंट पर हुआ, किस प्राइस पर हुआ। और वहीं अगर आप ऑल्गो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑल्गो ट्रेडिंग का कोडिंग भी हम उसमें डाल के दे देते हैं, जिससे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है algocrab.com, वो एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। 12 से ज़्यादा ब्रोकर अवेलेबल हैं, 6 दिन का फ्री ट्रायल हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो वेट किस बात का कर रहे हैं दोस्तों, जाइए प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए, 6 डेज का फ्री ट्रायल लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।